गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और फाइनली हम हमारी होटल पहुंच चुके हैं। और हम जैसे रेलवे स्टेशन से उतरे थे तो हमने स्कूटी ले ली, क्योंकि ऑटो वाले भाई साहब क्या रेटे लगा रहे थे अलग से, बहुत ही कॉस्टली था। और फाइनली हमने क्या प्री बुकिंग्स कर रखी थी होटल की, तो हमें इजी हुआ, बार बार भटकना ना पड़ा होटल के लिए। और ये भाई साहब, सबसे प्यारी चीज़ ये है कि इस होटल में कैफ़े भी है, जो कि भैया मैनेज करते हैं। इस कैफ़े का नाम है हेली चिली कैफ़े, और काफ़ी अच्छी सीटिंग से मैं पानी फिल करवाने आया हूँ बोतल में, और फिर जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो ये लोग, हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। और देखो ये लोग हरकतें इनकी, आपको दिखाता हूँ, ये देखो इनकी हरकतें, ये देखो इतना जोर से झूले को तोड़ेंगे आज ही ये लगता है। भाई साहब केड़ा व्यू है होटल का। और तो अभी तो रूम क्लीनिंग चल रही है, तो हमारे गेस्ट बैग वगैरह सब यहाँ ला के रखे हैं। राइड के लिए और हम आपको बताएंगे। वैसे काफ़ी अच्छी होटल है, अगर आप भी ऋषिकेश आए तो वो स्टेप्स पे ज़रूर आइए, काफ़ी इको फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली होता है। और इसका जो व्यू है आपको पूरा दिखाऊंगा होटल का। भाई साहब इनके चार फ्लोर है, चारों फ्लोर पे हर फ्लोर पे अलग यूनिक पेंटिंग बनी हुई है। ये देखिए हमारे भाई पॉज दे रहे भाई लोगों, इतने जाम के बाद यहाँ आया और यहाँ से ये रुकवा रहे हैं। और यहाँ पे टिकट लगेगा नीर वाटरफॉल का, और फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। तो ये चल रही है अपनी स्कूटी काफ़ी लोड लेके, क्योंकि पीछे कोई बैठा है बहुत ही भारी बर्डन वाला। और ये लोग कुछ पैदल है तो वो चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक ऑटो वैन ऑटो नहीं आ सकते। और हम लोगों ने स्कूटी ली, इसका प्लस पॉइंट है, तो चक्कर में चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। हाँ भाई, स्कूटी लोड ना ले रही। वाह वाह। तो गाइस हम नीरफॉल झरने के यहाँ पहुँच गए, थोड़ा स्कूटी को रख के और थोड़ा वॉक करके चल रहे हैं वहाँ तक की डिस्टेंस तक। और काफ़ी अच्छा व्यू है, इतना इम्प्रेसिव तो नहीं लगा क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है और काफ़ी जाम लग रहा है उस हिसाब से। देखता हो, देखो आप यहाँ के रश रोड्स। ये लो जी पूरा व्यू, ये झरना आ रहा है ऊपर से, नीरफॉल इसको ही बोलते हैं। तो भाई लोग हम नीचे कहीं कैफे, थोड़ा ऊपर चढ़ाई की है, काफ़ी हार्ड चढ़ाई थी, उसके बाद यहाँ कहीं बैठे और नींबू पीने लग गए। और ये कैफे है छोटा सा, पूरा पानी ऐसे कि ऐसा ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। हे गाइस, फाइनली पूरे दिन इधर उधर नीलफॉल पानी में जाके उसके बाद ये व्यू पाया है मैंने। ये जान की झूला है, वो बालाजी की पिक्चर पेंटिंग बहुत ही अच्छी। और इसके बाद हम परमात निकेतन करके आश्रम है वहाँ जाएंगे। और अब थोड़ी देर कुछ रिलैक्स होने के चक्कर में हम यहाँ बैठा हूँ मैं इस पत्थर पे, तो पाँव अंदर डाल के भाई साहब क्या ठंडा पानी है, आह अद्भुत नज़ारा। ये हम परमार निकेतन वाले रास्ते पे, और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है हर वॉल पे। आश्रम का मेन गेट आने वाला है, ये है परमार निकेतन का गेट, और हम एंट्री होने वाले हैं इसमें। ओ भाई क्या
अच्छा व्यू है आश्रम का। भाई साहब क्या आश्रम बना हुआ है। पहले हमारा रूम यहीं लेने का था, ऑनलाइन हमने अप्लाई किया था। आप सभी को बता दूं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एज अ VIP ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। वाह क्या प्यारा आश्रम था। सो दोस्तों कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है और हम उसको ज्वाइन करने वाले हैं। लेट्स कम ऑन। ऑफ प्यार ऑफ यू तो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं बैठने के लिए। कुछ आगे जो बैठे हैं वो लोग रिजर्व सीट वाले हैं और बाकी ये नॉन टिकट वाले, इनों की लिस्ट में मैं भी हूँ। और ये यहाँ पे प्रोग्राम भी होता है हर शाम, देखो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो सब कुछ रेडी हो चुका है। और आगे जो गार्ड पे है वो सब अपनी पोजीशन ले चुके हैं, आप देख सकते हो पंडित जी वगैरह को। ये देखो आप
एक भजन और, एक भजन और। भाई साहब ऋषिकेश का मार्केट है ये, गलती से हर जगह लड़कियों का मार्केट आ गया। और ये शेरवानी तो अभी मेरी शादी नहीं हुई, कहाँ से खरीद लूँ। देखो पक्का बाजार लड़कियों का है, कुछ ना दिलाऊँ मैं। तो गाइस बैठा हूँ मैं खाना खाने के लिए, खाना आ ही नहीं रहा। देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, इसे बिठा दिया। एक तो बिजी रेस्टोरेंट में किसी सिटी का चलता हुआ देख के आए तो यही दिक्कत है, खाना टाइम पे आता नहीं है। ये सारी राफ्टिंग की बोट्स यहाँ के नाइट के टाइम पड़ी है, वो त्रिवेणी झूला और ये है राम झूला। क्या व्यू है, और ये घाट। एंडलेस व्यू ऑफ ब्यूटी। गंगा की पूरी आरती ख़त्म हो चुकी है और इस बार हमने पूरी गंगा की आरती में बैठे और लास्ट में जो डांस हुआ, आए हाय हाय क्या फीलिंग आई, पूरी भक्ति की फीलिंग आई। वैसे तो रहती है हमेशा। और आज के हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, गंगा आरती और हमारे पूरा दिन का जो भी था वो सारा हमने बताया। पूरा ऋषिकेश बाई स्कूटी हमने ट्रेवल किया था और अब कल हम करेंगे राफ्टिंग और बंजी जंपिंग। देखिए बंजी जंपिंग में क्या बिजी बहुत आ रहा है, बहुत बुकिंग आ रही है, तो क्या पता हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए, नंबर आ जाए तो हो सकती है, बाकी पता नहीं फिर कब होगी, लेकिन करेंगे ज़रूर जब भी करेंगे। और अब आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले कल नए फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।